नमस्ते सत श्री अकाल आदाब हेलो फ्रेंड्स केम छू दिस इज किरण गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल और थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, ये वीडियो किससे रिलेटेड है। हम दोनों आज जा रहे हैं सप्तशृंगीगढ़, जो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। और अभी हम लोग हैं त्रिंबक सिटी में, यानी त्रिंबकेश्वर। कल हम लोग ने त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया, आज क्या है वेडनेसडे। और अगर आपने त्रिंबकेश्वर का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ नोटिफिकेशन में आ रहा होगा, और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। हम जा रहे हैं सप्तशृंगीगढ़, यहाँ से कुछ 2 से 2.5 घंटा लगेगा। सुबह सुबह मस्त ठंडा और बारिश भी हो रहा है, अभी फ़िलहाल 10 मिनट से बंद है, अदरवाइज़ यहाँ पर रात भर अच्छा खासा बारिश हुआ, पूरा क्लाइमेट ठंडा हो गया। आपको मैं दिखा दे, देखिए कितना पूरा क्लाउड्स आ गया है। यहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत है, अभी कुछ 2 मिनट पहले जब हम लोग निकल रहे थे तब दिख रहा था, अब तुरंत यहाँ पे क्लाउड आ गया है नी। कल हमने भोलेनाथ का दर्शन किया और आज देवी का दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, जा रहे भी यहाँ से पास है तो हम लोग ट्रैवल करके गाड़ी से ही जाएंगे, सो आपको भी ले चलते साथ में। और सप्तशृंगीगढ़ का जो भी डिटेल्स है मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। अभी हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से कुछ हमें 2.5 घंटा लगने वाला है, गूगल के हिसाब से हमने देखा तो 2 घंटा 2.5 घंटा दिखा रहा है। देखते हैं हम कितने देर में पहुँचते हैं, और बीच में जो भी अच्छा नज़ारा दिखेगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे। इससे पहले आपने शॉट में देखा कितना क्लाउड है, घाट है, कैसा लगा नहीं घाट और क्लाउड सब? बहुत अच्छा, पूरा फॉगी था एकदम। जहाँ नीचे मेन एंट्री चालू होता है, जहाँ से घाट शुरू होता है, वहाँ से ऊपर आने के लिए कुछ 10 किलोमीटर है, तो हम लोग 10 किलोमीटर मज़े करते करते आए। और त्रिंबक से यहाँ हमें पहुँचने के लिए लगा है 3 घंटा, वैसे गूगल के हिसाब से 2.25 घंटा था, बट हम लोग नाश्ता करते करते आए, फिर सिनेमैटिक शॉट्स बना रहे थे आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है जो फ्यूनिकुलर रोप वे बोला जाता है, वो है यहाँ पे जाने का रास्ता। पर हम कैसे जाने वाले? हम चल के जाने वाले। ये देखिए, यहाँ से सीधे घाट से ऊपर चढ़ते चढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है, और यहाँ से आए अभी हम यहाँ पे जाएंगे सीधे ये साइड में, और ये सामने फ्यूनिकुलर ट्रेन का रोप वे का जगह है, और हम अभी आगे चलते हैं। ये पूरा मार्केट यहाँ पे जैसे ही ख़त्म होता है, यहाँ से सीढ़ी लगता है, और सीढ़ी जहाँ से स्टार्ट होता है चढ़ के जाने के लिए, वहीं पे सप्तशृंगी देवी का लाइव दर्शन होता है। सीढ़ी जहाँ से शुरू होता है वहीं पे, ये देख लिए, आप भी इस वीडियो के थ्रू दर्शन कर लीजिए। कितने साल बाद ऐसा सीढ़ी चढ़ के जा रहे हो? बहुत टाइम बस, एक मैंने बहुत पहले सीढ़ी चढ़ा था, वो भी होती मैं स्कूल वूल में रही होंगी, वो जब दाने जाते थे। हाँ, और वेडनेसडे इसलिए आपको अभी यहाँ पे भीड़ नहीं दिख रहा है, अभी कुछ 10:30 हो रहे। और यहाँ पे देखिए, ये फ्यूनिकुलर ट्रेन पास हो रहा है, जो ट्रेन का टिकट है, जो रोप वे है उसका टिकट अभी 110 रुपये है पर पर्सन, और छोटे बच्चों का 55 रुपीज़ है, पर हर साल 10 रुपया बढ़ता है टिकट के ऊपर, ऐसा वहाँ पे बोर्ड लगाया था, वो पढ़ा था मैंने। यहाँ पे कोई ऑफिशियल पार्किंग नहीं है, आपको पार्किंग जहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे दुकान वाले तो आप उनके यहाँ पे पार्किंग कर सकते। पार्किंग का 50 रुपये लेते 2-व्हीलर का, बट अगर आप उनसे कुछ खरीदते, जैसे अभी रुचि ने माता को चढ़ाने के लिए ओटी लिया है, तो ये 100 रुपये का यहाँ पे ओटी अगर आप भरते माता को चढ़ाने के लिए, तो 100 रुपये,
तो उसी में इंक्लूड हो गया। अगर आप कुछ लेते हो तो आपसे गाड़ी का पार्किंग नहीं लेंगे। और आज हम बिना चप्पल का ये देवी का दर्शन करने जा रहे। चप्पल भी हम लोग ने वहीं पे उतार लिया जहाँ पे हम लोग ने ओटी लिया था, तो पार्किंग भी वहीं पे किया। तो आप याद रखिए, यहाँ पे कहीं पे आपको ऑफिशियल पार्किंग नहीं मिलेगा, आपको हर किसी शॉप वाले के यहीं पे करना है। सप्तशृंगी माता के मंदिर आने के लिए जो नियरेस्ट का रेलवे स्टेशन है वो है नासिक रोड। नासिक से यहाँ के लिए प्राइवेट टैक्सी भी चलती है, शेयरिंग टैक्सी भी चलती है और बस भी चलता है। आपको कुछ नासिक स्टेशन से यहाँ आने के लिए 2 घंटा लगेगा और जो टोटल सीढ़ी है वो कुछ 450 प्लस है, प्लस 450 से ज़्यादा सीढ़ी है। वो टोटल आपको चढ़ने के लिए 20 से 40 मिनट्स लग सकता है। अगर आप नॉन स्टॉप चढ़ते हो तो आपको 20 मिनट्स लगेगा, और अगर आप रुक रुक के चल रहे हो तो 40 मिनट्स। बट वो जो रोप वे है फ्यूनिकुलर ट्रेन, उससे आपको 2 से 2.5 मिनट ही लगेगा ऊपर चढ़ने के लिए। हम बस यही सोच रहे कि क्लाउड्स हटें यहाँ से, ये पूरा क्लाउड्स है सब जगह पे। अगर यहाँ पे क्लाउड नहीं होता तो अभी आपको वो रोप वे वाला जो ट्रेन है वो यहाँ से आपको दिखता, पर अभी क्लाउड्स की वजह से हम कुछ दिखा नहीं पाएंगे। देखते ऊपर पहुँचने के बाद, अगर क्लाउड हटा तो अच्छे अच्छे नज़ारे देखने मिलेंगे नीचे पूरे। और अब चलते देवी का दर्शन कर लेते माता का। मंदिर के यहाँ पे पहुँच गए, ये देखिए यहाँ पे भक्तों का लाइन लगा हुआ है। तो अब जाते हैं देवी का दर्शन करते, और ट्राई करता हूँ अगर अलाउ होगा तो मैं आपको भी दर्शन कराता हूँ। कैसा रहा दर्शन? बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। इससे पहले मैंने आपको एक शॉट भी दिखाया, और कितना कुछ 10-15 मिनट ही लगा हम लोग को, 10-15 मिनट भी नहीं लगा देखा जाए तो। वैसे वेडनेसडे वीकडे खाली है, बारिश का मौसम है। देखिए ये पूरा अभी भी यहाँ पे क्लाउड्स जमा हुआ है, और पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पे माता सती का दाहिना हाथ गिरा था। इसके लिए यहाँ पे क्या बोला था तुमने, वो 18 हाथ कुछ है जिसमें अलग अलग वेपन्स है। और सप्तशृंगी देवी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सप्त यानी सात, ये जो सप्तशृंगी जो गढ़ है ये 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है, और श्रृंग यानी पीक, इसलिए इन्हें सप्तशृंगी देवी के नाम से बुलाया जाता है। और अभी हम नीचे उतरेंगे और करेंगे महादेव का दर्शन। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो देवी का मूर्ति है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, उसका भी यहाँ पे एक स्टोरी है। वो नीचे जाता हूँ और वहाँ से आपको ट्राई करूँगा, अगर बादल नहीं होंगे तो मार्कंडे पर्वत दिखाऊँगा। मार्कंडे पर्वत से ही रिलेटेड यहाँ पे एक स्टोरी है, वो मैं आपको नीचे ही जाके बताता हूँ। अब हम पहुँच चुके हैं महादेव मंदिर पे। ये देखिए यहाँ पे है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ से अंदर ही है, वो अभी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक लेक है, शिवालय लेक, ये बहुत पवित्र बोला जाता है यहाँ पे। ऐसा कहा जाता है कि सप्तशृंगी देवी माता का दर्शन करने जा रहे हो तो बहुत लोग यहाँ पे स्नान करते फिर जाते, ये बहुत पवित्र लेक बोला जाता है अभी। बट फॉग इतना है, क्लाउड देखिए आप मेरे पूरे सब तरफ, सब जगह देखिए कितना क्लाउड है, इसलिए यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेक ये सामने ही है। अगर आपको शिवालय लेक में स्नान करना है और फिर मंदिर जाना है तो मैं बता देता, देखिए यहाँ पे ना ऐसा रस्सी लगाया गया और यहाँ पे ऐसे रॉड्स लगाए गए, तो यही एरिया है जहाँ पे स्नान करते, क्योंकि ये थोड़ा सेफ एरिया है। अगर उसके बीच में करोगे जैसे यहाँ पे रॉड है वहाँ पे भी सेफ है, रस्सी इसलिए लगाया गया ये साइड, तो ज़्यादा ये साइड ना जाए, यहाँ पे गहरा है, यहाँ पे ही स्नान कीजिए आप लोग। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, चलिए आपको मैं
महादेव का भी दर्शन करा देता हूँ। श्रावण का महीना है, बोलिए हर हर महादेव। ये है महादेव का मंदिर और ये बहुत ही पुराना मंदिर है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे यहाँ पे आके, तब आपको समझेगा कि ये बहुत पुराना मंदिर है। अभी चलते दर्शन करते हैं महादेव का। जैसे यहाँ पे लॉक रहता है और ये जो दरवाज़ा है ये प्लास्टिक का, यहीं से ये देखिए ये भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पे। अगर पता नहीं ये बराबर दिखेगा कि नहीं, बट फिर भी आप दर्शन कीजिए, देखिए यहाँ पे। ये देखिए ये है शिवलिंग, आप भी दर्शन कर लीजिए इस वीडियो के थ्रू। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मार्कंडेय पर्वत दिखाई देता है यहाँ से, बट अभी क्लाउड्स के वजह से मैं नहीं दिखा पाऊँगा। बट मार्कंडेय पर्वत का एक यहाँ पे स्टोरी है, आपको शायद पता होगा कि जैसे एक ऋषि थे, महान ऋषि थे मार्कंडेय ऋषि करके, उन्हीं के नाम पे वो पर्वत है। उन्होंने वहाँ पे तपस्या किया था कई सालों तक, और ऐसा कहा जाता है अगर आपने सप्तशृंगी माता का जो मूर्ति देखा होगा, आपने देखा होगा थोड़ा सा झुका हुआ है, वो इसलिए पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब मार्कंडेय ऋषि पौराणिक कथा या श्लोक सुनाते थे तो देवी जो माता है वो बहुत ध्यान से सुनती थी, इसलिए ऐसा मूर्ति है कि वो थोड़ा सा झुका हुआ है। यहाँ पे क्लाउड बहुत ज़्यादा है, तो हनी क्या दिखाएंगे फिर हम पब्लिक को? बादल ही दिखा सकते हैं। तो सोच रहा है अब निकल ही रहे हैं यहाँ से सीधे। तो ये जो मंदिर है महादेव का, यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड कर दे। कैसा लगा अब तक का पूरा क्लाइमेट यहाँ पे? बहुत अच्छा। एक्चुअली हम लोग जब त्र्यंबकेश्वर सिटी हम लोग ने छोड़ा, तभी तो कुछ इतना था नहीं, पूरा धूप था, तो भी हम लोग रेनकोट वगैरह पहन गए थे। बट जैसे ही हम लोग ने ये घाट चढ़ना शुरू किया, तभी से पूरा क्लाउड और बारिश स्टार्ट है, तो अभी तक चल ही रहा है। यहाँ पे दुकान वाले बता रहे थे कि 8-10 दिन से नीचे साइड में कुछ भी ज़्यादा बारिश नहीं है, बहुत कम हो रहा है, 10-15 मिनट होता है बंद हो जाता है, बट ऊपर हमेशा ही है। तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो घाट का सेक्शन है वो सीरियसली बेस्ट है। बट हर जगह पे मैसेज दिया गया है कि सेल्फी के चक्कर में अपनी जान ना गवाए और संभाल के गाड़ी चलाइए। आपने शायद अगर सिनेमैटिक शॉट्स देखे रहेंगे, जब हम ऊपर गढ़ के ऊपर आ रहे थे तो जो घाट वाला एरिया था वो कितना क्लाउड से ढका हुआ था, और मोस्ट ऑफ द सिनेमैटिक शॉट मेरी वाइफ ने, रुचि ने निकाला है। और अब वीडियो एंड करते हैं। तो जो ये नया वीडियो देख रहा होगा कोई, तो उसे क्या करना चाहिए? जो कोई नया वीडियो देख रहा है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो, और लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। श्रावण का महीना, हर हर महादेव लिखो, सप्तशृंगी माता की जय ये भी लिखो, और वो जो बेल आइकन होता है ना लाल कलर का, जिसे हम क्या कहते हैं, घंटा कहते हैं, तो उसे भी जाके प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई मेरा न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ, कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।